फाइनली इंडिया गवर्नमेंट ने न्यू गोल्ड रूल 16 जून 2021 से लागू कर दिया। ये रूल क्या है कि आप जब भी कोई ज्वेलरी खरीदें तो हॉलमार्किंग का ही खरीदें। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सर्वे किया और पता लगाया कि लोगों के घरों में जो सोना है वो असली नहीं है और कितना सोना है ये पता नहीं है, तो ये नियम लागू कर दिया गया है। जगह जगह शहरों में हॉल मार्किंग का सेंटर बनाया गया है। जैसे आप हैं ग्वालियर में तो आप गूगल में जाइए और वहाँ पर हॉल मार्किंग सेंटर ज्वेलरी का डालिए, वो स्थान आ जाएगा। वहाँ जाकर करके अपने जो पुराने जेवर पड़े हैं आपके घरों में या लॉकर में, उसमें जाकर के किया जा सकता। एक तरह से कंज्यूमर के लिए अच्छा भी है क्योंकि हमें पता नहीं चलता था कि कितने करेट का ज्वेलरी गहने हैं। आजकल 3 करेट के ज्वेलरी पे, गहनों के ऊपर ये हॉल मार्किंग किया जा रहा है, 14 करेट के, 18 करेट के और 22 करेट के। 24 करेट के सोना का गहने होते नहीं, होते हैं तो बेकार होते हैं, मतलब शुद्ध होते नहीं, तो आप उसके अनुसार से ही आप दुकान को या दुकानदार को पैसा दीजिए। देखिए उस पर 4 चीज होना जरूरी है। 1 BIC का लोगो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो, दूसरा उस दुकान का जिसने आपको बेचा है उसका मार्क, तीसरा वो किस सेंटर से उसने हॉल मार्किंग कराया है, और चौथा वो कितने क्रेट का सोना का गहने हैं। ये 4 चीज देख कर करके आप गहने खरीदिए। और पुराने गहने का यही है, आ तो आप हॉल मार्किंग करा लीजिए, सेंटर पे जाएंगे तो कुछ पैसे लेंगे, 35 रुपया। गवर्नमेंट ये चाहता है अगर 14 करेट का सोना का ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें आपको सोना 58.3% मिलेगा, बाकी का अदर मेटल मिलता है। अगर आप 18 करेट का सोना खरीदते हैं तो 75% सोना रहता है, बाकी अदर मेटल रहता है। और अगर आप 22 करेट का सोना खरीदते हैं तो 91.3% उसमें सोना रहता है, बाकी अदर मेटल रहता है। कि कहीं इसके पीछे ब्लैक मनी तो नहीं है, कि खरीदा गया सोना GST तो नहीं पे किया है, टैक्स तो नहीं पे किया है। गवर्नमेंट प्यार से थप्पी मार रहा है जनता को, आप देख लीजिए और समझ लीजिए और फिर ही खरीदिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी सोना खरीदिए तो और उसके अनुसार ही आप पैसा दीजिए। ऐसे 20 करेट का और अदर करेट का भी सोना खरीदा जा रहा है मगर ना खरीदें तो अच्छा होगा। भविष्य में पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या रूल लाए। एक बार लाया था रूल, ये रात में ही 500 का नोट 1000 का नोट बंद कर दिया था, अभी पता नहीं क्या करे। इसलिए हॉल मार्किंग किया हुआ सोना खरीदें और आप उससे बेच भी सकते हैं। आपको बेचने में समय पड़ेगा तो आसानी होगा, नहीं तो क्या होगा, क्या कानून आएगा हमें पता नहीं। अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट का यही रूल है, 14 करेट का, 18 करेट का और 22 करेट का हॉल मार्किंग गोल्ड ज्वेलरी ही खरीदें और बेचें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।